गुरुजी, खड़मास कब से कब तक है और इस दौरान क्या सब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इस बार जो है धनु में सूर्य का प्रवेश 17 दिसंबर को होगा, इसीलिए संक्रांति 17 दिसंबर को इस बार पड़ेगा। और पुनः मकरी रवि जब प्रारंभ होगी वो आपको 15 जनवरी को पड़ेगा, 15 जनवरी 2024। इसी मध्य में दैनिक जो कर्म है, निमित्तक जो कर्म है, जैसे कुल देवता का पूजा करना, गायत्री संध्या, द्विजार्चन, शिव पार्थिव लिंग का पूजन इत्यादि, ये सब कर्म करने में कहीं भी दोष नहीं है। इसमें सिर्फ संस्कार आदि अर्थात नामकरण, क्या कहते हैं, वधु प्रवेश, विवाह, दुरागमन, उपनयन, अन्नप्राशन इत्यादि जो जितने भी, वैसे 48 प्रकार के संस्कार हैं जिसमें 16 संस्कारें अभी मैं दी जाती है, वो संस्कार नहीं दिया जाएगा, वो कर्म नहीं होगा। अर्थात विवाह नहीं होगा, दुरागमन नहीं होगी, वधु प्रवेश नहीं होगी, गृह प्रवेश नहीं होगा, गृहारंभ नहीं होगा। अर्थात ये सब जितने भी क्या कहते हैं नए काम का शुभारंभ जो है वो नहीं होगा। परंतु यदि ये तो दैनिक कर्म तो होगा ही, परंतु जो व्यक्ति बीमार हो गए, रुग्ण हो गए, वो ग्रह शांति शांत्यादि निमित्तक स्नानादि जपादि ये सब कर्म होगा। ग्रह के द्वारा जो व्यक्ति पीड़ित होंगे उनका ग्रह का शमन किया जाएगा।